एमईएस रिक्रूटमेंट 2022। नमस्कार दोस्तों, एमईएस का एक और बड़ा रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आ चुका है और टोटल 4591 पदों का ये रिक्रूटमेंट निकला है, जो कि सेना के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का ये रिक्रूटमेंट आया, जो कि काफी लंबे समय के बाद में आया है। और दोस्तों, अग्निवीर योजना लागू होने के बाद में यहां पर आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस में परमानेंटली भर्ती होने का मौका मिलने वाला, तो काफी अच्छी वैकेंसी, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें टोटल 4591 पदों पर रिक्रूटमेंट रहेगा। काफी अलग अलग डिफरेंट पोस्टों पर आपका रिक्रूटमेंट निकला है, तो यहां पर बात करने वाले हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कि कितनी कितनी आप लोगों की वैकेंसी है और कौन कौन सी पोस्टों पर आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकला है, साथ ही इस रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, किस प्रकार आप लोगों का सिलेक्शन होगा, कहां पर आप लोगों का फिजिकल होगा, पूरी जानकारी आपको स्टूडियो में डिटेल से मिलने वाली है। अगर आप भी दोस्तों सेना रैली भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और यहां पर दोस्तों एमईएस रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो यहां पर दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल से मिलने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली है। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे डिफेंस जॉब अलर्ट की ऑफिशियल साइट पे है और यहां पर छोटे से बड़े सभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट एडमिट कार्ड सभी की जानकारी डायरेक्टली यहां पर आप चेक कर पाएंगे। नीचे जाएंगे तो दोस्तों आपको अलग से बॉक्स मिल जाएगा लेटेस्ट जॉब और यहां पर आप देख लीजिएगा एमईएस रिक्रूटमेंट 2022 टोटल 4591 पदों का रिक्रूटमेंट है। और जैसे दोस्तों आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, पूरा का पूरा पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाता है और यहां पर आप इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी पूरी अपडेट डिटेल से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले किस रिक्रूटमेंट के लिए आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए की रहेगी, जबकि एससी एसटी और फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर रखा गया है। इस रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम अगर आपकी 30 साल है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल की अतिरिक्त आयु में छूट मिलेगी, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल की भी आयु में छूट पर मिलने वाली है। दोस्तों अलग अलग वैकेंसी के बारे में बात करें तो JVCL की आपके टोटल 97 वैकेंसी है, वही JE और M की 71 वैकेंसी है, JE की आपके 51 वैकेंसी है, D मेन की आपके टोटल 54 वैकेंसी है, सुपरवाइजर BS की 1 वैकेंसी है, S के सेकंड की 18 वैकेंसी है, UDC SAA की 68 वैकेंसी है, वही LDC JAA की आपके टोटल 212 वैकेंसी है, स्टेनो ग्रेड सेकंड की 19 वैकेंसी है और CMD OG की आपके 145 वैकेंसी है, MTS की आपके 275 वैकेंसी है, उसके साथ ही चौकीदार की 1 वैकेंसी है, मीटर रीडर की टोटल 15 वैकेंसी है, कैन मैन की 1 वैकेंसी और मेट एसके की टोटल 3563 वैकेंसी, जो कि सबसे ज्यादा है और टोटल आपकी वैकेंसी रहेगी 4591 पदों पर। अगर अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से बात करें तो अगर आप एसके सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 12वीं पास होना चाहिए, अगर आप स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपको स्टेनो का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अगर आप UDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो UDC के लिए ग्रेजुएशन वाले सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, LDC के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो 10+2 रहेगी अगर आप 12वीं पास है और अगर आपकी इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है तो आप LDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों CMD OG, तो यहां पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10वीं पास रखी गई है, अगर आप PON के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, 10वीं पास वाले सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। चौकीदार की अगर बात करें तो चौकीदार के लिए भी 10वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल या किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट यहां पर ये रहने वाला है। अगर आप सफाई वाला के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो भी यहां पर 10वीं पास रहने वाली है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चौकीदार कैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं किचन स्टाफ के लिए तो यहां पर आप 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपको कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कैनमैन की बात करें, कैनमैन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10वीं पास तो होना ही चाहिए, साथ ही आपके पास में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर बात करें मीटर रीडर, तो मीटर रीडर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 12वीं पास वाले सभी कैंडिडेट मीटर रीडर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेट SSK के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है और आपके पास में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन होगा।
जी हाँ दोस्तों, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन आपका ओमआर बेस्ड होगा, मतलब ऑफलाइन आपका रिटर्न एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। टोटल आपको जो समय मिलेगा रिटर्न एग्जामिनेशन में वो 120 मिनट मिलेंगी और टोटल 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले। वही बात करें तो टोटल 125 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें दोस्तों 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है। उसके अलावा रिटर्न का अगर पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की, तो टोटल आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25, वही जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 और उसके साथ ही स्पेशलाइज्ड जो टॉपिक आपका जिस पोस्ट से आपने अप्लाई किया उस पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले। यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्टली इस रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटमेंट ऐसे आते हैं जो ऑफलाइन होते हैं और उसके नोटिफिकेशन और ऑफलाइन फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाता है। इसके अलावा पूरी जानकारी अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो साइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप पूरी जानकारी भी डिटेल से देख सकते हैं। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।